अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम जो है एलसीसी इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन जो है करेंगे, जिसमें हम कवर करने वाले हैं जी सबसे पहले इंग्लिश पोर्शन। इंग्लिश पोर्शन के बाद हम क्वेश्चन जो होंगे वो बायोलॉजी पोर्शन के होंगे इसी वीडियो में, और उसके बाद केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन होंगे कुछ, ठीक है। और मैंने कोशिश की है कि क्वेश्चन ज़्यादा कर दूँ वीडियोज़ में, क्योंकि कल और परसों भी वीडियो नहीं अपलोड कर सका किसी वजह से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबके जो टेस्ट है ना वो अच्छे हो रहे होंगे, और जिन किसी के रह गए हैं ना उनके लिए बेस्ट ऑफ लक एक बार फिर से। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। इंग्लिश पोर्शन में सबसे पहले जो है हम आइडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल रूटीन से नहीं गुजरी होंगी, आपकी आंखों से नहीं गुजरी होंगी, आप पहली बार ये फ्रेजेस सुन रहे होंगे, तो इसी वजह से मैंने इंग्लिश में तकरीबन मोस्टली फ्रेजेस डाली हैं, ठीक है। और फ्रेज और उसका मतलब पूछा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले फ्रेज होगी और आगे होगा कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग क्या है, ठीक हो गया। तो इस तरह से इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे जो आपके आएंगे। तो सबसे पहले है जी स्टार क्रॉस्ड, ये है जी फ्रेज़ है स्टार क्रॉस्ड, और इसका मतलब क्या है, लकी। अगला क्वेश्चन है टू ब्रेक अ लांस विद, ये भी फ्रेज़ है, इसका मतलब है टू गेट इंगेज इन कंपटीशन। अगला क्वेश्चन है जी बिटवीन साइला एंड कैरेबिड्स, अभी इसका क्या मतलब है जी, बिटवीन टू ग्रेट डिफ़िकल्टीज, सही हो गया। अगला है जी लीव इन द लर्च, इसका क्या आंसर है, लीव सम वन इन डिफ़िकल्टी, ठीक है। समझ आ रही होगी आपको कि पहले फ्रेज़ है फिर उसका आंसर है, कि इसका मतलब क्या, ये मीनिंग क्या पूछा हुआ है, इस फ्रेज़ का मतलब क्या होता है। आगे है जी इन द ब्लू फंक, इसका आंसर है जी इन अ स्टेट ऑफ टेरर। उसके आगे चलते हैं जी प्ले वंस कार्ड राइट, ठीक है, आंसर है टू गेट बेनिफिट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, सही है। आगे चलते हैं जी स्पेल द बीन्स, आंसर टू रिवील द सीक्रेट। क्वेश्चन चैम्पिंग एट द बिट, आंसर एक्सट्रीमली इम्पेशेंट। क्वेश्चन एज द क्रो फ्लाइज, आंसर इन अ डायरेक्ट एंड अ स्ट्रेट वे। क्वेश्चन फोर्टनाइट मीन्स, आंसर 14 डेज। क्वेश्चन आफ्टर एल्टर ईगो, आंसर टू अर्च। क्वेश्चन मालाफाइड, आंसर जॉयज एंड सोरोस। क्वेश्चन राइड्स द हाई हॉर्स, आंसर सुपीरियर। क्वेश्चन ईट्स अनियंसली, कुछ इस तरह का वर्ड है, आंसर टू बी वंस ग्रेट गेस्ट, टू बी वंस गेस्ट, सॉरी। क्वेश्चन टू फेस द म्यूजिक, आंसर टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। क्वेश्चन रूल द थंब, आंसर रफ एस्टिमेट। क्वेश्चन ओके, आगे बायोलॉजी का जो है पोर्शन वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इंग्लिश के कुछ फ्रेजेस थे, और कोशिश करिएगा कि ये वीडियो दोबारा से आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप एक दो बार देखेंगे ना तो ये फ्रेजेस आपके जहन में बैठ जाएंगे, काफ़ी फ्रेजेस हैं, ठीक है। और मोस्टली चांस है कि इसमें से आपके पेपर में आ जाएँ फ्रेजेस, ठीक है। आगे बायोलॉजी के क्वेश्चन है जी, पहला क्वेश्चन है जी एनिमल फैट्स आर डैश एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, आंसर है एनिमल फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वन दैट स्टोर्स कैल्शियम इज, आंसर द वन दैट स्टोर कैल्शियम इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन कीटो ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड एज, आंसर कीटो ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड एज CO। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लीप मूवमेंट आर अ टाइप ऑफ, आंसर स्लीप मूवमेंट आर अ टाइप ऑफ टारगोर मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम इज, आंसर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम इज न्यूक्लियसम। क्वेश्चन फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लंग्स आर कॉल्ड, आंसर फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लंग्स आर कॉल्ड एयर सैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूलस इज नोन एज, आंसर टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज डिपेंड्स ऑन, आंसर रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कंटेन, आंसर वाइट ब्लड सेल्स, ठीक हो गया। ये कुछ क्वेश्चंस हो गए बायोलॉजी के, अभी चलते हैं जी आगे केमिस्ट्री के पोर्शन की तरफ। केमिस्ट्री आ जाती है,
ठीक है जी, केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है जी, टिन काल इज अ मिनरल ऑफ, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन, आंसर हाल रूम। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है जी, केमिकल कंपोजिशन ऑफ केना बारेस, आंसर HGS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन डज नॉट रिएक्ट विद, आंसर मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैंडरवाल्स फोर्सेज आर स्ट्रोंगर इन, आंसर I2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके ये थे जी प्रीवियस वीडियोज़ आर ऑन योर स्क्रीन, मस्ट वॉच देम टू गेट मोर हेल्प। ठीक है, जो पिछली वीडियोज़ हैं LCC के एक्सपीरियंसिस वाली, वो जो है एंड स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होंगी, आप ज़रूर वो देखिएगा अगर आपका भी टेस्ट रहता है। ठीक है, और बाकी आपके इंटरव्यूज़ के लिए और बाकी ISSB के लिए फर्दर मोर आप मेरे को जो है PMA की प्लेलिस्ट जो है एक्सपीरियंसिस वाली मिल जाएंगी, जो कि माई एक्सपीरियंसिस नाम से है, और इस तरह की मेरे ही चैनल पे तो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंसिस है उसमें, और आपको काफ़ी कुछ हेल्प हो जाएगी वहाँ से, आप ज़रूर वो चीज़ें देखिएगा। और अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, अल्लाह हाफिज़।